लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है और इसी कड़ी में सीएम अशोक गहलोत पाली के जेतारण पहुंचे, जहां उन्होंने आनंदपुर कालू में जनसभा को संबोधित किया। और इस दौरान उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी के समय में पहला एटॉमिक विस्फोट किया गया था चुनावी, जिससे पूरी दुनिया चकित रह गई थी। और साथ ही पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं, उनकी बातें आम जनता के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि किडनी, कैंसर और हृदय की दवाओं को मुफ्त किया गया है, ये चुनाव महत्वपूर्ण है, चुनाव जिताओगे तो राजस्थान की सरकार और भी मजबूत होगी। सीएम अशोक गहलोत ने आनंदपुर के कालू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा, कहा हम प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं और उनकी बातें आम जनता के दिल को छूने वाली होनी चाहिए। साथ ही कहा कि किडनी, कैंसर और हार्ट रोग की दवाइयों को मुफ्त किया गया है हमारी सरकार में और चुनाव में जीत को लेकर बयान दिया है। साथ ही आपको बता दें कि कहा कि अगर चुनाव जिताओगे तो राजस्थान की सरकार और भी मजबूत होगी। निशाना साधते हुए कहा कि हम प्रधानमंत्री पद की इज्जत करते हैं, लेकिन उनकी बातें आम जनता के दिल को छूने वाली होनी चाहिए, ऐसा कहना है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का।